पूरे बिहार आप में, सिर्फ यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? बिहार में माइक पे हाथ नहीं लगा सकते हैं ना, पूरे बिहार से क्यों रखे माइक? इस रोड के टैक्स, रोड का आप टैक्स लीजिएगा, भैया रुकिए एक मिनट, कहाँ जाने, थोड़ा एक मिनट आइए, जवाब दीजिए, यहाँ पे आइए ना, अरे आइए ना इधर, इसको कॉल कर रहे हैं ठेकेदार साहब के, ठेकेदार साहब को रोड खराब है ना आगे, हाँ हाँ पूरा रोड खराब है ना, हाँ खराब आगे पूरा रोड खराब है, बहुत बहुत खराब है। रोड की स्थिति आप लोग एक बार देख लीजिए कैसी है, और इस रोड पे चलने का हमसे 10-10 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। अभी हम लोग जहानाबाद में मौजूद हैं, और जहानाबाद के मुकद्दिनपुर में हैं, इधर से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, हमारा ऑटो रोका गया, और यहाँ पे एक छोटा सा तंबू लगा हुआ है, ओ भैया ओ ए भैया रुकिए एक मिनट, कहाँ जाने, थोड़ा एक मिनट आइए, जवाब दीजिए, यहाँ पे आइए ना, अरे आइए ना इधर, हम आपसे दुश्मनी, हमको आपसे कोई थोड़े है, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, ये एक चौराहा टाइप का है, और यहाँ पे ये एक छोटा सा तंबू लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को रोक के हमारी गाड़ी से टैक्स मांगा गया और पैसा मांगा गया। हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये पैसा किस चीज़ का मांग रहे हैं। यहाँ पे एक नवयुवक लड़का बैठा हुआ है, हम जान रहे हैं कि इनकी गलती नहीं है, इनको भी कोई ऊपर से लाके यहाँ पे बैठा दिया होगा। किसको कॉल कर रहे हैं? ठेकेदार साहब के, ठेकेदार साहब को। किस चीज़ का आप पैसा ले रहे थे, थोड़ा वो रिसिप्ट दिखाइएगा। नगर पालिका का टैक्स कटता है, इनका कहना है कि नगर पालिका का टैक्स कटता है, ये एक रिसिप्ट, रिसिप्ट दिखाइए इधर, रिसिप्ट दिखाइए, वो दिखाइए जो काटे, हाँ ये एक रिसिप्ट लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, ये रिसिप्ट में 10-10 रुपया लेके सारे वाहनों का, टेम्पो का टैक्स काट रहे थे। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि ये टैक्स किस बात का ले रहे हैं। अभी हम लोग जिस रोड से आए, रोड से आगे खराब है क्या? रोड खराब है ना आगे? हाँ हाँ पूरा रोड खराब है ना, आगे पूरा रोड खराब है, बहुत बहुत खराब है। रोड की स्थिति आप लोग एक बार देख लीजिए कैसी है, और इस रोड पे चलने का हमसे 10-10 रुपया टैक्स लिया जा रहा है इस तंबू का, और टैक्स लेने का अगर ये पर्ची कटता है तो उसका नियम हम आपको बता दें, वो एक मशीन आता है जो NHAI या स्टेट गवर्नमेंट या उस क्षेत्र का जो होता है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है ठेकेदारों को, जिसके थ्रू वो टैक्स लेते हैं, और हर टिकट का एक नंबर होता है जिसके थ्रू टैक्स, और ये टिकट आप लोग देख सकते हैं, इस टिकट से पूरे दिन न जाने कितना रुपया का टैक्स लिया जाता होगा। रोड आगे खराब है ना? जी हाँ पूरा रोड खराब है, खराब है पूरा रोड खराब है, यही तरह से है, ये रोड की स्थिति, ये रोड की। आप किस पोस्ट पे यहाँ पे पोस्टेड हैं? अंतर्गत किस पोस्ट पे हैं? वसूली मतलब रंगदारी हम समझ सकते हैं, हालांकि नहीं बता पा रहे हैं भाई साहब। बोल रहे हैं कि नगर पंचायत घुसने का टैक्स लग रहा है, और रोड रही गड्ढे की बात, तो गड्ढा तो पूरे बिहार में मिल रहा है, पूरे बिहार। आप सिर्फ यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? बिहार में माइक पे हाथ नहीं लगा सकते हैं ना, पूरे बिहार में इस तरह से टैक्स रंगदारी नहीं लिया जा रहा है, रंगदारी नहीं है। अगर आप NH पे चलते हैं ना, NH पे टोल टैक्स रहता है, टोल टैक्स NH पे क्यों लिया जाता है? रोड के मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो यहाँ पे पैसा किस चीज का? ये सरकारी टेंडर हुआ ना कि ये पूरे बिहार में यही नगर निगम है, पूरा बिहार में जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ वहाँ टैक्स लग रहा है। क्या इसके पे सरकार से बोल रहे हैं? इस रोड का आप टैक्स लीजिएगा, पुलिस बुलाइए, टैक्स मशीन से काटा जाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर लग रहा था बोलिए, पुलिस को बुलाइए, मोबाइल नंबर देते हैं, हम रंगदारी नहीं बोल रहे हैं। और आप इतना किसको काहे डरा रहे? इसको डरा नहीं रहे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, हम रंगदारी देखिए, इनको हम समझा रहे हैं कि आपको 6000 आप इतना बोल रहे हैं कि आपको, हम जान रहे हैं कि ये भी मजबूरी में यहाँ बैठे, हम जान रहे हैं भैया, एक सेकंड, हम मानते हैं आप मीडिया वाले कि आप किसी को डराइए, हम डरा नहीं रहे, आप हमको डरा। अगर हम 10 रुपया दे रहे हैं, अगर हम 10 रुपया दे रहे हैं तो हम हक रखते हैं जानने का कि हम 10 रुपया काहे दे रहे हैं। आराम का कमाई नहीं आता है, हम लेबर। आप उच्च पदाधिकारी से पूछिए जो यहाँ पे जो मिलेगा, हम उसी से ना उससे पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे आप? लेकिन आप एक जूनियर, हम जूनियर से, हम आपसे बोले हैं कि नहीं कि आप मजबूरी में बैठे हुए हैं, हम जान रहे हैं, एक मिनट सुनिए, हम जान रहे हैं कि मजबूरी में बैठे हैं, हम उतरते यही बात इनको बोले हैं, पूछिए बोले हैं कि नहीं बोले कि मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, और इनसे भी ऊपर पद के लोग इनसे काम करा रहे हैं, हमारा जो पता रहेगा यही ना बोलेंगे, और इनको नॉलेज नहीं है। ठेकेदार की, ठेकेदार सरकार तो टेंडर दे रही है, ठेकेदार जो है
पहला सवाल हम किसे करेंगे, जो यहाँ होगा उसी से न करेंगे। इसके अंदर नॉलेज हो तभी माइक पे हाथ लगाइए। हम लोग सिटी में रहते हैं, रोड पीएम योजना का है ना कि नगर योजना का। पूरा बिहार, पूरा बिहार में है, पूरा बिहार में पीएम योजना है, कहीं नहीं लिया जाता है टैक्स। कैसा लगेगा बताइए, रोड यही हाल है, तब कौन बात का टैक्स ले रहा है। सुशासन बाबू से जाके पूछना चाहिए सर। सुशासन बाबू हमको नहीं ना मिलेंगे, अभी जो हमसे 10 रुपया मांगा हम उसी से न पूछेंगे। हम जानते हैं कि मजबूरी में यहाँ बैठा है, इसको भी कोई ऊंचा अधिकारी यहाँ, ऊंचा आदमी यहाँ बैठा दिया होगा। रोड खराब है बेचारा, 5,000 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। रोड खराब है, इस गड्ढा में हम आएंगे, 10 रुपया टैक्स किस चीज का देंगे फिर बताइए। वो तो सुशासन बाबू ना बतावेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोग आम नागरिक आप बताइए, हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करने जाएं। हाँ तो ठीक है, सवाल तो करना होगा ना। कर रहे हैं आप ही नहीं मतलब कर रहे हैं ठीका के लिए। देखो तो यहाँ पॉइंट पे ये मिले ना हमको, देखिए बोर्ड हम सब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट पे ये हमको मिले। और सर एक बात बताएं, इस तरह से तहसीलदारी हो करके तो जिला में जा रहा, इस तरह से सर पैसा, एक मिनट सर, इस तरह से पैसा सर जहाँ भी लिया जाता है ना, वहाँ एक ठेकेदार को मशीन प्रोवाइड कराया जाता है, जिस मशीन के थ्रू ऑनलाइन पर्ची कटता है बिहार में। ये चीज शायद आपको जानकारी नहीं है, इस तरह से प्रिंटेड पर्ची लेके नहीं काटा जाता है, जो इसका कोई हिसाब नहीं रहेगा कि कितना कटा नहीं कटा। मशीन में जो कटता है वो रजिस्टर होके सुशासन बाबू को जाता है, जो हर टोल टैक्स पे रहता है मशीन। अगर आपको जानकारी ध्यान मतलब सुशासन यहाँ वो मशीन क्यों है तो आप उजागर कीजिए। इनके पास जब मशीन नहीं है, जब इनके पास वो मशीन नहीं है, ये 4 गो पर्ची लेके काट रहे हैं, पता नहीं वो पैसा किसके जेबी में जाएगा। और इस रोड का हम लोग टैक्स देंगे, और टैक्स का दाम यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्पो 10 रुपया, 15 रुपया, 4 चक्का 30 रुपया, 40 रुपया। और इस तरह का भ्रष्टाचार, जहाँ पढ़ाई कम है, लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पे लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। और पूरे दिन में ये 10-10 रुपया करके ना जाने कितना वसूल लेते होंगे। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये बेचारा जो यहाँ बैठा हुआ था लड़का, ये लड़का जो यहाँ बैठा हुआ था, ये मजबूरी में बैठा हुआ था, इससे भी कोई ऊंचे अधिकारी जानबूझ के ऊंचे ठेकेदारी से करवा रहे होंगे, 5,000-6,000 इसको महीना देते होंगे। इन चीजों पे हमें और आपको सोचने की जरूरत है। इस तरह का झोल जहां भी दिखे वहां सवाल उठाए और सवाल दागे, क्योंकि 10 रुपया हराम का नहीं आता है। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।